हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। कैंडिडेट को इंतजार है इसके नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस को। और आप जानते हैं कि नेक्स्ट एडमिशन जो प्रोसेस होने वाला है, वो आपका स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस होने वाला है। हालांकि स्पोर्ट एडमिशन की प्रोसेस ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन कब से होगा, ये सारे अपडेट के बारे में हम लोग जान चुके थे कि स्पोर्ट एडमिशन की प्रोसेस ऑनलाइन होगा, और ये सारी बातें मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। एग्जैक्टली होना क्या था कि कल आपका जो एडमिशन कमेटी मेंबर है, सबका बैठक कल था, और इसके बाद डिसीजन होना था कि स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस एग्जैक्टली कंप्लीट कब होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं कि इस पर जो बैठक होने वाली थी, वो आपका कल बैठक हुआ नहीं। कल का बैठक क्या रहा, पोस्टपोन्ड रहा, और बैठक आपका आज होने वाला है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में प्रभात खबर के पेपर में तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं, प्रभात खबर के पेपर से समझते हैं कि कब आपका स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, स्टार्टअप होगी। सो गाइज, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में जरूर आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं पेपर के कटिंग पे, देखते हैं क्या कुछ अपडेट पटना यूनिवर्सिटी के लिए प्रभात खबर के पेपर से बाहर निकल करके सामने आया है। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली बताया गया पीयू में स्नातक का स्पोर्ट राउंड पर आज होगा निर्णय। और इसमें बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक में स्पोर्ट राउंड नामांकन को लेकर के गुरुवार को निर्णय लिया जाएगा, यानी आज आपका डिसीजन लिया जाएगा। नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद सर ने कहा है कि गुरुवार को इसको लेकर के एक बैठक बुलाई गई है, उसमें उक्त निर्णय लिया जाएगा। अगर निर्णय के बारे में बात किया, डिसीजन के बारे में कि कौन कौन से डिसीजन लिया जाएगा, तो उसमें डिसीजन लिया जाएगा, सबसे पहला डिसीजन, स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन होगा तो किस तरीके से होगा। जैसे पिछले बार का पॉलिसी था, पर कॉलेज के लिए लगभग 2 दिनों का टाइम इन्वेस्ट हुआ था, क्या वो वाला पॉलिसी रहेगा। मतलब कहने का, बीएन कॉलेज के लिए अप्लाई करने का 1 दिन अप्लाई करने का टाइम, 1 दिन आपका उसका जो लिस्ट है उसके आने के लिए 1 दिन टाइम मिला था। सेम एज पटना साइंस कॉलेज के लिए 2 दिन। इस तरीके से पिछले बार के एडमिशन के प्रोसेस में 2-2 दिन पर एक कॉलेज के स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस के लिए मिला था, वो भी ऑनलाइन के प्रोसेस में। इसके बाद बावजूद इसके ऑफलाइन प्रोसेस भी किया गया था, तो वो एक लंबी प्रक्रिया हो गई थी। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी के पास चैलेंज भी क्या है कि 2 सितंबर से पहले एंड भी कर देना है, क्योंकि अगर 2 सितंबर से पहले एंड नहीं करती है तो फिर क्लासेस चलने का जो वादा करके रखे स्टूडेंट्स के साथ, वो क्या हो जाएगा, वादा इसका फेल हो जाएगा। तो ये बात को भी ध्यान रखेगी यूनिवर्सिटी, इसलिए पूरी अच्छी तरीके से सोच समझ करके जो भी पॉलिसी लाएगी, बहुत ही सोच समझ करके उसे जारी करेगी। और इसीलिए स्पोर्ट एडमिशन की प्रोसेस में कैसे क्या होगा, ये सारे डिसीजन आज लिए जाएंगे। इसके बावजूद ये भी डिसीजन लिया जाएगा कि स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस को लॉन्च कब से किया जाए, यानी स्पोर्ट एडमिशन कब से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपसे एक्सपेक्टेड बात की जाए तो आज आपका थर्सडे है, यानी आज आपका गुरुवार है, और आज इसको लेकर के बैठक ही होगी। तो उम्मीद है कि कल आपका हो जाएगा फ्राइडे। तो फ्राइडे आपका सीट का कैलकुलेशन, इसके बाद आपका सैटरडे को हो सकता है नोटिस के सैटरडे में भी नोटिस जारी करें, यानी कर सकते हैं ऑल ओवर कि जो आपका स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस है उसका मैक्सिमम संभावना जो स्टार्ट होने का जो उम्मीद है, अब आपका नेक्स्ट मंडे से ही है, ताकि ये जो कॉलेज में विजिटिंग करने का जो पूरा जो प्रोसेस होगा स्पोर्ट एडमिशन के लिए, वो आपका कह सकते हैं कि स्टार्ट होगा मंडे से। वहीं अगर ये आपका जो यूजी एडमिशन है, इसको लेकर के क्या है, यहाँ पर से अपडेट है। सो गाइस, इतना आप वेट किए हैं तो आज भर और वेट कर लीजिए, देखिए क्या कुछ नोटिस होता है। इसके रिकॉर्डिंग जैसे ही आपका नोटिस आएगा स्पोर्ट एडमिशन को लेकर का, तो फिर मैं आपको क्या करूँगा, फर्दर इन्फॉर्म करूँगा। सो गाइस, ऐसा करता हूँ, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोर्ट एडमिशन की प्रोसेस कब से एक्सपेक्टेड स्टार्ट होगा। प्रोसेस तो ऑनलाइन होगा, ये भी मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड डेट भी मैंने बता दिया, और ये भी मैंने बता दिया कि आज इसको लेकर के बैठक है। गाइज, वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बट प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।